से दोस्तों देखते देखते आ रहे हैं ऊपर से कोई कम मट इसको मुझे बचा लग रहा है। अंडा टूटा ना करो। हाँ अंडा टूटा। ये देखें यार माशाल्लाह बच्चा बड़ा हुआ है, दूसरा भी यार हैच होने लगा। ये देख सकते हैं आप लोग। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। तो यार इधर आओ, आज या कल के अंदर ना ऊपर एक दरी का इंतजाम करो, जो कि क्या होता है, शीट होती है। अच्छा अच्छा, तरपाल कहते हैं उसको, उसका यार इंतजाम करो, ताकि जो है ना ये इधर जितनी भी धूप आती है ना यार परिंदों को तंग करती है, हमें तंग कर रही है। और आज दोस्तों पहली बार गर्मियों के मौसम में पहली बार हमारे मास्टर केज के अंदर का टेम्परेचर 30 हो गया। अब बड़ा तुम्हें पता लगेगा। बाकी फिलहाल यहाँ पर मैंने ना पानी भी भर लिया है। मट्टी के केज का फायदा ये है कि इसके ऊपर हम ना ऐसे पानी भी लगा सकते हैं फुल गर्मियों में। ये देखें अंदर से केज जो है ना बिल्कुल ठंडा हो जाएगा और गीला भी हो जाएगा। ये देखें ऐसे, अगर यही काम हम ये सीमेंट वाले केज के साथ करेंगे ना तो इसका जो सेक होगा ना सारा अंदर को चला जाएगा, है ना। बाकी पानी यहाँ पर दोस्तों मैंने भर लिया है। कोई हाँ इसको तुमने बाहर निकाला हुआ है माशाल्लाह से यार, ये सही ग्रोथ कर रहा है ना अभी तक। तो यार मुझे ये है कि यार इसके साथ ना कोई इसके कोई पार्टनर वगैरह ना ले आए। एक तो चूजा ले आते हैं क्योंकि अकेला ये ठीक नहीं है। इधर आओ भाई, सारी इसका नाम हमने टीपू रखा था, है ना। सारी रात बोलता है ये अकेला। इधर आओ, ये देखें जी माशाल्लाह काफ़ी प्यार है। कल मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया था ये। बाकी पानी यहाँ पर मैंने भर लिया है। अभी जितने भी हमारे अंदर के परिंदे हैं इनको हम ना दाना पानी दे देते हैं। ये देखें, और यार ये भला क्या करते हैं, इसको नीचे एक मिनट रखो ज़रा। हम जिस तरह हाथ करेंगे ना, जिस तरह चूज़े मुर्गियों के नीचे जाते हैं, सेम टू सेम ये हाथ के अंदर से बाहर आता है, अंदर घुसने की कोशिश करता है और ना हीट लेने की कोशिश करता है। चलेगी इसको फिलहाल ना हम दोबारा से अंदर रख देते हैं। आज यार ये बड़े होकर निकलेगा कैसा? बड़ा हो के सारे इसका गब्बर कितना होगा, टांगे जो है इसका फादर गब्बर है और इसकी जो मदर है वो गोल्डन मुर्गी है। तो अब खुद ही अंदाजा लगा लेंगे कैसा निकलेगा। यार है प्यारा वैसे माशाल्लाह, हो गया ना यार ये बड़ा प्यारा होगा। हाँ तो डिफरेंट ब्रीड का ना तो बड़ा प्यारा। बाकी यार इसको ना फिलहाल अंदर रख देते हैं, बाहर तो गर्मी काफ़ी है। हालांकि अभी अप्रैल भी नहीं आया, इतनी गर्मी हो गई है, मई में क्या हालात होंगे। बाकी यहाँ पर मैंने पानी भर लिया है अपने मास्टर केज के भी परिंदों को दाना पानी दे देते हैं, और अपने जो ये वाले परिंदे हैं इनको भी आज हम ना अंदर ही दाना पानी दे देते हैं। तो शाम के टाइम जो है ना हम आके बाहर इनको दाना पानी दे देंगे। पर दोस्तों मैंने अपनी ना बच्चों वाली असील मुर्गी को बाहर खोल दिया। बाकी भाई अंदर, एक मिनट दरवाज़ा तो खोलना, खोल दो। हाँ बाकी भाई मुझे अंदर कह रहे हैं कि हमारी जो डव है ना उसने अपने बेबी को ना काफ़ी बड़ा कर ली है। बाकी ये ना देखने ही नहीं देती जब का मास्टर केज में कोई और बच्चा भी इसके अलावा दिखा दो पूरा हफ्ता हो गया। यार इसके अलावा सिर्फ हमारी ना वो वाली बजी ने अंडा दिया हुआ है, और कल वाली वीडियो में देख सकते हैं बाहर भी आई हुई है। कल वाली वीडियो में एक भाई का कमेंट आया था कि ये जो बजी होती है ना वो 18 से 20 दिनों के बाद ही जो अपना जो है ना बच्चे निकालती है। बाकी डव का बच्चा बाहर आया हुआ है, इसको यार पकड़ के चेक करना है मैंने। भाई मारेगी देख, मारेगी। लेकिन जब का ये हैच हुआ है ना मैंने इसको एक मरतबा नहीं इसके बच्चे को पकड़ा। मुझे पता क्या लगता है, इसका फादर आता है हाँ और इसको फीड करवाता है और ये बैठी रहती है यहाँ पर। मैं भी यही कह रहा हूँ। और ये जो है ना समटाइम क्या करते है कि फादर आता है, फादर बैठ जाएगा इसके ऊपर। अच्छा, और जो ये अपना दाना खाने चले। दोनों एक जैसे ही है, मुझे समझ में नहीं लगती। ये कितने प्यारे लग रहे हैं, ये तो मैंने कभी नहीं देखे थे। ये हम ये इनका लगता है पेड़ लग गया। यार ये तुम साथ ही लेके आए थे इन सब के? हाँ ये साथ ही थे, ये मैंने पहली बार देखे हैं। मटकियां चेक करते हैं कितनी देर हो गई है। रमजान से पहले हमने देखे थे मेरे ख्याल से, तो दो हफ्ते हो गए, दो हफ्ते हो गए तकरीबन। और आज जो है ना हम दोबारा से देखते हैं अपने ना सब परिंदों की मटकियों में, अंडों में, बच्चों में कह रहा हूँ, मटकियों में देखते हैं कि इन्होंने कोई अंडे बच्चे भी दिए हैं कि नहीं। चेक करो हाँ जरा, एक यहाँ पे भी था मेरे ख्याल से, इधर चेक कर लेते हैं। इधर पड़ा हुआ है एक, उधर है और पता नहीं क्या कर रहे हैं, उधर है एक। अभी दोस्तों हम जो है ना सारी मटकियों को ना अच्छे तरीके से चेक करते हैं, सर्च करते हैं कि हमें क्या यहाँ पर अंडा मिलता है कि नहीं। इसमें भी कोई भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। एंड से दोस्तों देखते देखते आ रहे हैं ऊपर से कोई कम मटकी। इसको मुझे बचा लग रहा है, अंडा टूटा ना करो। हाँ अंडा टूटा हुआ है इसके अंदर, किधर है कहीं भी तो नहीं है। अंडा टूटा हुआ मुझे नजर आया है, ये पीछे देखो ये वाला टूटा हुआ है अंडा। हाँ ये वाला टूटा हुआ है साइड वाला। हाँ तो इसने क्या बच्चे तो नहीं निकाल लिए अपने? निकाल लिए मुझे लग रहा है।
एक मिनट यार रहने दो, तंग ना करो। हाँ यार अगर तो ये टाइम निकाले अगर तो ये बच्चे निकल आए ना तो यार इनको तुम टेम कर लेना, क्या कहते हो तुम? मतलब बच्चे यार इसके एक नहीं है, कितने अंडे? इसके अंडे टोटल 4-5 हैं। दो अंडे थे इसके पहले, कि 4-5 अंडे हैं इसके नीचे टोटल। मुझे ये टूटा नजर आया ना, जो ये साइड वाला टूटा हुआ है, ये क्रैक है ये। हाँ ये वाला क्रैक है, ये कन्फर्म है क्रैक है। माशाल्लाह निकाल लिया इसने बच्चा, और अब देखने का भी यार मौका मिल जाए और ज्यादा अच्छी बात यार। तुम भला क्या करना, इन बच्चों को निकाल के ना जितना तुम उसको पाल रहे हो ना, हाँ, पिपो को उसी तरह इनको भी। मैंने भाई तुम्हें पहले का कहा हुआ कि इनको मैंने टेम ही करना है और कुछ नहीं करना, लेकिन यार लेकिन तकरीबन 10-15 दिन करके वो आए उंगली पे आ जाएंगे इंशाल्लाह यार, ऐसे करेंगे। बाकी मटकियां भी हम दोस्तों चेक कर लेते हैं एकदम। यार गुड न्यूज मिल गया, शुक्र है हमने ना सारी मटकियां दी, नहीं तो मैंने देखना भी नहीं था आज के इसके अंदर कोई है कि नहीं, क्योंकि एक भाई का कमेंट आया था कि जो बजी होती है ना वो 18-20 दिनों में बच्चा निकालती है। इसने इतने दिन पहले अंडा दिया था, मेरा ख्याल है काफी दिन हो गए इसके अंडे को। वैसे मुझे आइडिया नहीं था, बाकी इन्होंने कुछ किया कि नहीं अभी तक। यार लव बर्ड बड़े नखरे करते हैं यार, खाने में भी नखरे करते हैं, ब्रीडिंग में भी नखरे करते हैं, और दूसरा के ये बाकी मुझे कोई मसला, लेकिन जो इनकी जो फेस की बनावट है ना वो बहुत जीत रही है यार, प्यारी नहीं है वैसे, नहीं प्यारे लगते हैं लेकिन। बाकी इनका भी जो है ना चेक कर यार, ये नेस्ट भी नहीं बनाते ना, एक तो नेस्ट बना ले तो फिर ठीक है। बाकी जो हमारे व्हाइट वाले लव बर्ड्स है ना वो उधर जाते हैं उस वाले बॉक्स में, ये मैंने कल भी देखा था। टिंकू का, टिंकू का मैं सोच रहा हूँ भला क्या कि हमारा जो ये टिंकी है ना उसके साथ पैर लगा देते हैं। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कौन सी, ये देखें, ये ना हमने मार्केट से रेस्क्यू की थी, ये कोई यहाँ 4th-5th मरतबा में आप लोगों को ना बताने लगा। अब भाई ये तेज हो गई है, इसको पता है कि ना ये ज्यादातर मुझे ना बंद रखते हैं क्योंकि ये छोटी है, परिंदों से जो है ना मार मूर खा लेती है, इसलिए तो मुंह भी नहीं लगाया। बाकी मैं सोच रहा हूँ ये जो हमारा मेल है ना डव का, इसके साथ हम अपने ना टिंकू का पैर लगा देते हैं जो कि हमारी टेम डव है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये भी यार इसको ना डेली हमें खोलना पड़ेगा, कल मैंने इसको बिल्कुल भी नहीं खोला, डेली खोलेंगे तो ये हमारी टेम रहेगी, नहीं तो ये ना टेम हट जाएगी हमारी। चलो भाई आ जाओ, चलें जी ऐसे माशाल्लाह। एक मिनट इनको ना साथ बिठा के चेक करते हैं, एक मिनट रुको रो, ये डरता है पता नहीं क्यों। चलें जी ऐसे थोड़े, ये फीमेल है, ये हमारी टिंकू फीमेल है, फीमेल है तो फिर टिंकी रखो ना इसका नाम यार, अब टिंकू रख दिया हुआ है ठीक है। बाकी इनका नाम तो ना टिंकी रख दिया, अगर ये आपस में इनका पेयर लग जाता है ना तुम्हारा तो ना कोई भी दिमाग, तो इनका नाम टिंकू टिंकी रख देते हैं, इसका नाम टिंकू का नाम टिंकी और टिंकी का नाम टिंकू, या फिर तुम वो ही बुला सकते हो टिंकू टिंकी। हाँ टिंकू टिंकी बुला लेंगे इनको, बाकी पेयर तो लगाए यार ये आपस में, पेयर अगर लगाना है तो इनको एक पिंजरे में रखना पड़ेगा। हाँ तो तुम रख दो ना, रखते हैं आ जाओ, इसको तो हम ऐसे पकड़ लेंगे, लेकिन इसको इसको जरा पकड़ के रखना पड़ेगा। चलो भाई अंदर, और डायमंड डव की क्या यार सिचुएशन है, नहीं लग रहा भाई अंडे उंडे देने लगी है यहाँ पे, या पता नहीं इनका सीजन होता है कि, मुझे नहीं आईडिया पता नहीं यार। एक तो हमें ना हम ऐसे कि हमें एक दो अंडे मिल जाते हैं ना, हमें ये होता है कि सबके अंडे आ जाए एक साथ ही, लेकिन ऐसे होता नहीं है यार, काफी देर लगती है। बजी शायद हमारे छोटे हैं क्योंकि हम छोटे लेके आए हैं बॉस, ये तो हाँ जी। बाकी ये वाला यार बहुत प्यारा जोड़ा है, ये मैंने आज इसके ऊपर मेरी नजर गई है, और क्या हो गया तुम्हें, ये पहले दिन से इधर ही है, ये एक साथ आज नजर गई है, ये दोनों साथ बैठे हुए हैं, और यार देखे अगर इनका पेयर लगता है कितने प्यारे हैं देखो यार। ये ले इसका क्या प्लान है अब, इसको क्या इसके साथ भी कोई फीमेल फीमेल ले आए यार, इसका टेम है यार तुम रहने दो इसके साथ, क्या कर रहे हो। जाने से पहले दोस्तों मैंने सोचा कि हम अपने ना सब परिंदों को चावल ही डाल देते हैं, उतनी देर नीचे पड़े थे तो जब आएगा दाना तो सब परिंदों को ना एक बार दाना भी हम ना डाल देंगे शाम के टाइम। बाकी चावल हम ना कुछ इस तरीके से सबकी बकेट्स में डालते हैं और इनको ना चावल दे देते हैं। सबसे पहले तो हम अपने ना बैंटम चिकन्स को ही दे देते हैं क्योंकि ये बाहर होते हैं और बाहर ना धूप भी काफ़ी ज़्यादा है, और हमने बहुत जल्द ना अब ये ऊपर जो है ना एक वो ग्रीन कपड़े का इंतज़ाम करवाना है। तो वैसे ही मैंने चावल देने के लिए खोला था और अंदर देखें यार, जब स्पेशल हमने अंडे के लिए खोलना होता है ना जो इस केज का दरवाज़ा, तब अंडा हमें मिलता नहीं है, और अब सिर्फ वैसे चावल डालने के लिए मैंने इनके केज का दरवाज़ा खोला, और अब देखें अंदर अंडा पड़ा हुआ है और कोई भी नहीं है, सिर्फ वो ही पड़ा हुआ है। दोस्तों हमारी जिस बजी ने बच्चे निकाले हैं ना ये बाहर आ गई, अभी मैं अपने परिंदों को दाना पानी दे रहा था एकदम से नज़र आ गया, वो दोबारा जाके बैठ गई इसकी, जल्दी से बच्चे चेक कर लेते हैं। चलो भाई ये देखें यार,
माशाल्लाह बच्चा बड़ा हुआ है। दूसरा भी यार हैच होने लगा है, ये देख सकते हैं आप लोग, एक निकल आया हुआ है और एक जी को ना दोबारा अंदर भेज देते हैं, कोई और बची ना चले जाए अंदर। चलो 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 चलो, माशाल्लाह ये येलो वाली बची है जिसने, ओ यार अंदर ही नहीं जा रही यार ये तो। चलो अंदर चली जाओ, अंदर चली जाओ, कोई भी तुम्हें तंग नहीं करेगा यार। अब बच्चा मैंने देख लिया दोस्तों, एक बच्चा निकल आया है और दूसरा जो है ना उसने अपने अंडे पे ठोकर मार ली है, वो भी ना वो देखे चली गई है। चलो अंदर से जल्दी से अंदर चली जाओ, चली जाओ, चलें जी माशाल्लाह गुड हो गया ये। तो अभी दोस्तों हमने जल्दी से कोई और बात किए बगैर बर्ड्स मार्केट चलते हैं और अपने सब परिंदों के लिए ना इनके क्या कहते हैं बर्तन लेके आते हैं, दाना लेके आते हैं, पानी लेके आते हैं, क्योंकि हमारे जो परिंदे हैं ना बाज आ ही गए हैं ब्रीडिंग करने पे जो है ना आ गए हैं। यहाँ पर दोस्तों हम अपने ना परिंदों के लिए थोड़ा बहुत एक दो दिनों का ना दाना ले आए हैं। जिन भाई से हमने दाना लेना था वो कह रहे थे कि फिलहाल हमारे पास ना ज़्यादा दाना नहीं पड़ा हुआ, तो आप लोग थोड़ा सा ले जाएं एक दो दिनों का, फिर इंशाल्लाह ताला हमारे पास भी आ जाएगा और आप लोग ना एक दो दिन तक आके अपना ना दाना ले जाना और साथ ही अपने ना परिंदों के जितने भी हमारे मिट्टी के बर्तन, प्लास्टिक के बर्तन, जितनी भी हमें ना ज़रूरत होगी ना बर्तनों की, वो इंशाल्लाह ताला हम ना एक दो दिनों तक तब साथ ही ले लेंगे। बाकी फ़िलहाल आते सार मैंने अपने ना पिजन्स को सारे के सारे ना बाहर खोल दिए, इनको ना दोबारा से एक मरतबा मैं यहाँ पर ना दाना डाल देता हूँ। एक गिलास माशाल्लाह से पहले भी मैंने डाला था इनको। चलें जी इस जगह पर दोस्तों हम अपने ना पिजन्स को भी दाना डाल देते हैं दोबारा से। आओ भाई चलो भाई ये ख़त्म करेंगे तो दोबारा से इनको जो है ना हम दाना डाल देंगे। तो दोस्तों यही था आज का हमारा ब्लॉग, मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।